हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा बख्शी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं देने जा रही हूँ आपको अपने मास्टर बेडरूम का टूर। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा मास्टर बेडरूम, और एंटर करते ही सबसे पहले मेरा बेड है। तो ये किंग साइज बेड है, और ये हमने मार्केट से परचेज नहीं किया है बल्कि खुद ही कारपेंटर से बनवाया है। उन्होंने ही हमें डिजाइन दिखाए थे तो हमने पसंद करके ये बेड बनवाया था। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब चित्रकारी मेरे बेटे ने करी है, और जबकि ये बेड अभी बिल्कुल नया है। हम इस घर में नए शिफ्ट हुए हैं, लेकिन बच्चों को आप कितना रोक सकते हो, वो तो फिर भी करते ही हैं। और जो आप उस साइड देख रहे हैं, दोनों साइड, ये और ये दोनों साइड टेबल्स हैं, ये भी हमने कारपेंटर से ही बनवाई हैं। उन्होंने यहाँ का मेजरमेंट लेकर ही ये सब चीजें बनाई हैं। तो पहले बढ़ते हैं अपने साइड टेबल्स की ओर। यहां पर मैं कुछ ज्यादा रख नहीं सकती हूँ क्योंकि ये भी अभी मैंने नया लाके रखा है यहाँ पे लैंप, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो सब कुछ नीचे उठा के फेंकता है। ये भी बहुत मुश्किल से अभी थोड़े दिनों पहले ही मैं लेकर आई हूँ, लेकिन संभला हुआ है, तो देखते हैं कितने दिन संभलता है। तो मैंने अभी सब कुछ अपने बेटे के ही टॉयज रखे हैं इसके अंदर, जैसे कि ये हैं एनिमल्स वगैरह सब इसमें पैक करके, और साथ में ही ऐसे गेम्स और ये शेप्स। बिगाड़ते तो सारे बच्चे ही हैं, दिन में पता नहीं कितनी बार ये सब ठीक होता है। तो इसमें अपना अभी मैं कुछ नहीं रख सकती हूँ, सिर्फ मेरी बेटे के ही चीज़ें पड़ी हैं यहाँ। और ये जो छोटा मोटा सामान है, जैसे छोटे छोटे से टॉय होते हैं, ये सब ये भी मैंने यहाँ पर रखे हैं, इस बास्केट में रखे हैं। ऐसी एक बास्केट मेरे किचन में भी है, तो ऐसे मैं ये दो लेकर आई थी, तो एक में मैंने ये सारा सामान कर दिया है, और इसमें भी ये दूसरी बास्केट में भी ये सब है, क्योंकि ये छोटे मोटे टॉय बहुत बिखरते हैं बच्चों के, और एक ही जगह डाल के रख दो तो संभले रहते हैं, वो सब निकाल के एक बार बच्चे खेल लेते हैं और फिर हम संभाल देते हैं। तो ये सब मेरे बेटे को अभी गिफ्ट में टॉय मिले हैं, मास्क वगैरह ऐसे। ये तो ये अभी सब नए हैं, इसको इसीलिए अभी मेरे बेटे को खेलने का इसका बहुत चाव चढ़ा हुआ है, तो ये सब अभी मैंने बाहर रखे हुए हैं, और ये जिनसे वो खेलता है वो मैंने ऐसे बास्केट में रखे हैं। तो यहीं से ही हम दूसरी साइड आ जाएं, तो दूसरी साइड भी मेरी ऐसे ही टेबल पड़ी है, बिसाइड टेबल। और इसमें भी ऊपर मैंने अपने बेटे के टॉय रखे हैं, और जो कुछ टॉय जिनसे भी खेल रहा है वही सब बाहर रखती हूँ, उसके बाद जो वो नहीं खेलता है वो सब मैं अपने बेड में ही रख लेती हूँ बॉक्स में। तो जो ये वाली है इसके अंदर भी मैंने टॉय ही रखे हैं, जैसे कि ये कुछ ऐसी है, 1, 2, 3 वाली ट्रेन है, ये पीस मेरे बेटे को भी गिफ्ट में मिली है, तो अभी नए हैं इसलिए उसे ये सब अच्छे लग रहे हैं बहुत। और ऐसे ही ये, तो ये जो आप देख रहे हैं ये शेप वाला बोर्ड है, जिसकी शेप्स मैंने इसके अंदर रखी हैं, जो संभली भी रहती हैं। और मैं अपने बेटे को भी यही समझाती हूँ कि जब खेलें तो इसमें ही डाल के रखें, क्योंकि बच्चों को अभी से ही समझाना बहुत जरूरी होता है, जिससे वो आगे भी अपने काम खुद करना सीख जाते हैं। मेरी बेटी तो बिल्कुल संभाल के रखती है, और वो शुरू से ही संभाल के रखती थी, क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा नॉटी है। और यहाँ पर मैंने अपने बेटे का स्कूल बैग रखा है, जो और नीचे भी एक स्कूल बैग है छोटा सा, लेकिन ये जो है वो
प्ले स्कूल में जाता है तो यही लेके जाता है, शेमरॉक में पढ़ता है तो उनका ही बैग है। और यहाँ से बेड के बिल्कुल सामने है मेरी अलमीरा है, और ये अलमीरा भी हमने कारपेंटर से ही बनवाई है जो काफ़ी बड़ी है और बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है। और अब इधर से तो इधर से दोबारा से ऐसे इधर आ जाएं, साइड टेबल के जस्ट ऊपर से मैंने वॉल पर यहाँ पर फोटो फ्रेम लगा रखा है, कुछ मेमोरीज हैं ये। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा बेटा थोड़े दिन का ही है इसके अंदर, अभी कुछ 10-12 दिन का ही होगा तो मैंने ये क्लिक करी थी और यहाँ लगाई है। तो अच्छी लगती है ऐसे बच्चों की मेमोरीज लगाना, अपनी भी तो उनको कभी कभी देख लेना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब मैंने यहाँ ऐसे लगा रखा है, ये मेरे बेटे का सेकंड बर्थडे था तब की फोटो है ये। तो इसके जस्ट इधर ही यहाँ पर मैंने अपना विंडो एसी लगाया है, अभी मैंने चला रखा है क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी है, बिना एसी के काम नहीं होता तो थोड़ी देर तो चलाना ही पड़ता है। तो इसकी थोड़ी सी नॉइज़ मेरी वीडियो में आएगी तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर मैं यहाँ पर अपनी कैल्शियम की मेडिसिन रखती हूँ जो रात को खाना खाने के बाद मैं खाती हूँ, और बच्चों से ऐसी चीज़ें दूर ही रखनी चाहिए। और कर्टन्स को अगर इधर कर दें तो मेरे लिए कर्टन्स का लुक कुछ ऐसा आता है। ऐसा ये कर्टन्स मैंने लिए थे राजौरी गार्डन से, दिल्ली के, दिल्ली की मार्केट है यहाँ पर राजौरी गार्डन, ये मैंने वहाँ से लिए थे। तो पहले मैं कर्टन्स खोल देती हूँ। तो आपने ये वाली वॉल देख ली, इसके साथ ही मेरे कर्टन्स लगे हैं, और कर्टन्स के साथ ये वाले दीवार में इस कोने में मैंने यहाँ पेंटिंग लगा रखी है जो मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। मैंने कुछ ज़्यादा पेंटिंग्स वहाँ पर नहीं देखी उस शॉप में, और मेरे हस्बैंड को भी यही पसंद आई थी तो हमने ले ली, क्योंकि जो चीज़ पसंद आ जाती है फिर ज़्यादा देखो तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। और ये मैंने ली थी पंचकुइयां रोड से, दिल्ली में फर्नीचर मार्केट है पंचकुइयां, फर्नीचर मार्केट कहलाती है वो, और ये मैंने वहाँ से ली थी। आपको मेरे घर में जो भी इस रूम में पसंद आ रहा है उसके बारे में अगर आप पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना मैं बता पा रही हूँ मैं सब आपको बता रही हूँ। तो इसके सीधा मेरे बेड के बिल्कुल सामने करके यहाँ पर मेरा एक और ये डोर है जो मेरा वॉशिंग एरिया है। तो ये मैं आपसे किसी और दिन शेयर करूँगी अपने लॉन्ड्री रूटीन में। तो इसी के साथ मेरा बिल्कुल बेड के सामने टीवी लगा है, और ये टीवी यूनिट भी हमने कारपेंटर से ही बनवाया सारा। और ये जो आप देख रहे हैं इस समय बज रहे हैं 2:30, क्योंकि बच्चों की चल रही है हॉलीडेज, पहले उनको देखना होता है उसके बाद मैं अपने काम करती हूँ। तो ये मेरे बेटे की फोटो है, ये जब वो 1 साल का हुआ था तब उसे ये गिफ्ट मिली थी, और साथ में ये जो फोटो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये मेरे पहले बच्चे की फोटो है, मेरी बेटी की फोटो है। और ये जैसे ही उस लेबर रूम से बाहर आई थी तभी क्लिक कर दी थी मेरे हस्बैंड ने, तो बहुत प्यार व्यार करके नर्स ने उसको भेजा था बाहर, बाहर आई थी वो, तो ये तब की है। तो ये मेरे दोनों बच्चों की फोटो है यहाँ पर। और इधर से चलें
तो ये मेरा अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं मेरी बेडरूम की छत पे, ये फॉल सीलिंग मेरे हस्बैंड का आइडिया था और ये एस बना हुआ है क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी नेम का पहला अक्षर एस से स्टार्ट होता है और मेरा भी, तो ये उन्हीं का आइडिया था और मुझे बाद में पता चला था जब कारपेंटर भैया ने ये एस कट किया था तो मैंने ये देखा था और मुझे ये बहुत सुंदर लगा था। तो इसमें रेड कलर की लाइट भी चलती है जो रात को अगर आप ओपन करो तो बहुत ही सुंदर लगती है, तो मैं अभी आपको इसको ऑन करके दिखाती हूँ। देखिए ये कुछ ऐसी लगती है, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको अपने मास्टर बेडरूम का एक ओवरव्यू दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स यही था मेरे मास्टर बेडरूम का टूर, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी मैंने कुछ ज़्यादा सजा के तो नहीं रखा है अपने बेडरूम को क्योंकि घर में छोटा बच्चा भी है और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ें ला के सजाऊँ और वो टूट जाएँ तो मुझे दुख हो, क्योंकि बच्चे होते हैं ना शैतान होते हैं, थोड़ा खेलते खेलते कहीं चीज़ें तोड़ ना दें इसका डर रहता है। तो अभी हर जगह तो उसी के टॉयज रहते हैं, मेरे सारे साइड टेबल्स पर उसी के टॉयज हैं, तो जब बड़ा हो जाएगा तो धीरे धीरे मैं उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें लाया करूँगी जब समझदार हो जाएगा। तो यही थी आज की मेरी ये वीडियो, अगर आपको पसंद आई है मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा है, फिर से कह रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।